दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है तो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, टेस्ला या फिर फेसबुक जैसी कंपनीज का नाम आएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल और वैल्यूएबल एक कंपनी है जिसका नाम 99.99% लोगों ने सुना तक नहीं होगा। और दोस्तों इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। क्या हुआ, नहीं सुना था ना? मैं जानता हूँ दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कंपनी है जिसके बारे में हमने नहीं सुना है, लेकिन इस कंपनी के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस कंपनी के पास वो पावर है कि ये पूरी दुनिया भर के स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट को हिला के रख सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस कंपनी के अंदर जो कि इसको इतनी पावरफुल और वैल्यूएबल बनाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। This is a company most people have never heard of, and this company quite literally owns the world. Most US banks are controlled by BlackRock. BlackRock owns all the major pharmaceutical companies. BlackRock owns most of the mainstream media, and BlackRock oversees roughly 10% of all stocks traded worldwide, and this company is now taking over government. दोस्तों ब्लैक रॉक एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसको 1988 में 8 लोगों ने मिलकर फाउंड किया था। इनमें से कुछ मेन लोग हैं लेरी फिंक जो कि कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं, रॉबर्ट कैपिटो इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, और इनके अलावा सुजैन वेगनर और बारबरा नोविक भी इस कंपनी के फाउंडर हैं। अब दोस्तों हम ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी असेट्स और रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है जो कि पूरी दुनिया भर में ऑपरेट की जाती है, और इसके 30 देशों में 70 से ज्यादा ऑफिसेज बने हुए हैं और 100 से ज्यादा देशों में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। जहां 2010 में ब्लैक रॉक $3 trillion के असेट मैनेज करती थी, वहीं 2023 में ये नंबर बढ़ के $10 trillion हो गया है, यानी कि 115 लाख करोड़ रुपए, जो कि अमेरिका की जीडीपी का 43% है। इसके अलावा ब्लैक रॉक ने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना बहुत बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि एप्पल में 6.34%, माइक्रोसॉफ्ट में 6.77%, वेल्स फार्गो में 4.3%, जेपी मॉर्गन चेज में 4.41%, अमेज़न में 2.24%, टेस्ला में 1.55% और गूगल में 1.34% की ओनरशिप है। और इतनी बड़ी ब्लैक रॉक कंपनी को 18,400 एम्प्लॉयज मिलकर चलाते हैं, और इस कंपनी ने 2022 में $19 billion यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, और फॉर्चून 500 में 192 रैंक पर आई थी। जिनको नहीं पता कि फॉर्चून 500 क्या है, मैं उनको बता दूं ये दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज का ग्रुप है, और इसीलिए दोस्तों ये दुनिया की इतनी ज्यादा पावरफुल और वैल्यूएबल कंपनी है। और ये कंपनी चाहे तो यूएस की गवर्नमेंट और स्टॉक मार्केट को अपने उंगलियों पर नचा सकती है, लेकिन अफसोस इस कंपनी के बारे में दुनिया के काफी सारे लोग तो जानते तक नहीं है। लेकिन आई होप इस वीडियो को देखने के बाद मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी है जो कि इसके बारे में जरूरी है, और आप चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं शेयर बटन दबाकर, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।